नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 5 में आज का जो हमारा टॉपिक होगा या हमारा पार्ट 5 वीडियो होगा, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में बैंकों की स्थापना। भारत में बैंकों की स्थापना, तो भारत में बैंकों की स्थापना की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आपका टॉपिक है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1895 में हुआ। कब हुआ? 1895 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1895 में हुई। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? पंजाब नेशनल पीएनबी, आप याद रखेंगे पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1895 में हुई। उम्मीद है आप याद कर चुके होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1895 में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1895 में हुई। फिर बैंक ऑफ इंडिया का कब हुआ, तो 1906 में हुआ। कब हुआ? 1906 में हुआ। और इंडियन बैंक एक साल बाद हुआ 1907 में। कब हुआ? 1907 में। तो आपने देखा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, और इंडियन बैंक 1907 में, एक साल बाद। फिर सेंट्रल बैंक की स्थापना कब होती है, तो ये 4 साल बाद होती है। इसके बाद 1911 में। कब होती है? 1911 में। कब होती है? 1911 में। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब होती है? 1911 में। बैंक ऑफ मैसूर और ज्वाइंट बैंक की स्थापना कब होती है, तो 2 साल बाद इसकी 1913 में। कब होती है? 1913 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1955 में होती है। कब होती है? 1955 होती है। इसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है, 1895 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में एक साल बाद, इंडियन बैंक 1907 में, और सेंट्रल बैंक 1911 में, और बैंक ऑफ मैसूर और ज्वाइंट बैंक ये कब होता है, 1913 में, और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 जुलाई 1955 में। कहाँ होती है स्टार्टिंग में दोस्तों, तो कोलकाता में होती है। चलिए एक बार ठीक रिविजन कर लेते हैं। आप लोग अब रिपीट करना कि कब स्थापना हुई। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे 1895 में। बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ, हमने बताया दोस्तों 1906 में। इंडियन बैंक एक साल बाद 1907 में, डिवीजन करिए। सेंट्रल बैंक कितना हुआ, हमने बताया 4 साल बाद 1900 कितना, सेंट्रल बैंक 4 साल बाद, तो 7 बाद कितना आता है 11, 1911 में। फिर बैंक ऑफ इंडिया इससे फिर 2 साल बाद, बैंक ऑफ इंडिया कितना हो गया 1913, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ 1 जुलाई 1955 को हुआ। परिणाम क्या हुआ, हुआ क्या 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र, लोह, कोयला और उद्योगों का विकास हुआ। तो हुआ क्या दोस्तों, 1850 से 1950 के बीच में क्या हुआ कि भारत में वस्त्र आपका लोहा कोयला उद्योगों का हुआ विकास हुआ, ये आपके परिणाम निकले। दूसरी बात, व्यापारिक नगर जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद और डालमिया नगर को बनाया गया। तो व्यापारी नगर किसे बनाया गया, जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद और डालमिया नगर को बनाया गया। और इसका जो केंद्र है ये कहाँ पे था दोस्तों, बिहार में था। ये सबका केंद्र कहाँ था, बिहार में। फिर प्रमुख केंद्र किसे बनाया गया, आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत और राजपुताना नगर को बनाया गया। राजपुताना नगर को क्या किया गया, बनाया गया। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड में क्या हुआ कि नए मशीनों का आविष्कार हुए, लेकिन वही आपका क्या हुआ कि जो मतलब इंडिया में ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत पर क्या हुआ, औद्योगिकरण का बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ता है। तो आपने क्या देखा कि औद्योगिकरण परिणाम में 1850 से 1950 के बीच में भारत में क्या हुआ कि वस्त्र, लोहा, कोयला उद्योगों का क्या हुआ विकास होता है। और फिर आपके आगे चलकर क्या होता है दोस्तों कि व्यापारिक नगर जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, और डालमिया नगर को बनाया जाता है, जिसका प्रमुख केंद्र बिहार होता है। और इसके प्रमुख केंद्र में और बात करें तो क्या, आगरा, बनारस, अहमदाबाद, सूरत और राजपुताना नगर होते हैं। इंग्लैंड में नए नए मशीनों का आविष्कार होता है, परंतु ढाका में, मुर्शिदाबाद और सूरत पर क्या होता है, औद्योगिकरण का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ते हैं। तो औद्योगिकरण मतलब दोस्तों उद्योगों का में बढ़ावा करना, क्या कहलाता है औद्योगिकरण, मतलब फैक्ट्रियां लगाना। अब रोजगार क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, मतलब आपका है क्या कि मतलब जो 100 लोग काम करें उसे एक मशीन क्या करेगा, क्लिक कर देगी। ये आपका हो गया औद्योगिकरण। इसके अलावा भी आप याद रखेंगे दोस्तों परिणाम में और क्या देखेंगे, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
तो आप ये परिणाम में और क्या लिखेंगे इसके अलावा? नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। जब औद्योगिकरण हुआ तो नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, मतलब जो छोटे उद्योग थे, वैसा उद्योग जो छोटे पैमाने के होते हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। और ये उद्योग क्या हुए? खत्म हो गए। कुटीर उद्योग मतलब जैसे पंखा बनाना, खिलौना बनाना, ये सब क्या कुटीर उद्योग होता है। फिर साम्राज्यवाद का विकास हुआ। साम्राज्यवाद का क्या हुआ? विकास हो गया। फिर समाज में वर्ग विभाजन, समाज में क्या हुआ? समाज का वर्ग विभाजन, और समाज क्या हुआ? बढ़ गया दोस्तों। और बर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। बर्जुआ वर्ग मतलब मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास वर्ग का क्या उदय हुआ। और एक और बात दोस्तों, ये मिडिल क्लास वर्ग ही क्या हुआ कि अंग्रेजों के औपनिवेशिक शोषण की नीति के खिलाफ क्या हुआ, सक्रिय भूमिका निभाए थे, मतलब इन्होंने लड़ने का प्रयास किया था। फिर फैक्ट्री मजदूर वर्गों का जन्म हुआ। फैक्ट्री मजदूर वर्ग का क्या हुआ? जन्म हुआ। मतलब फैक्ट्री में मजदूर जो वर्ग होता है उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। इसके अलावा असलम पत्ती की शुरुआत हुई। क्या हुई? असलम पत्ती की शुरुआत हुई। असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई कि जब दोस्तों हुआ क्या कि मतलब रोजगार जब बहुत ही कम हो गए तो उसमें आपका हुआ क्या कि मतलब लोग जो है बहुत एक ही कंपनी में काम करने लगे, बहुत ही कम पैसे में आपका मतलब शुरुआत करने लगे, तो इसी चीजों को असलम पत्ती कहा गया। असलम पत्ती का आप इसको देख भी सकते हैं दोस्तों, इसका प्रश्न पोर्टल ले सकते हैं। असलम पत्ती शुरुआत कैसे हुई, ये प्रश्न आपके आ जाते हैं दो बॉक्स में, इसको वीवीआई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी परिणाम में क्या बताया दोस्तों कि जो पूंजीपति थे वो बुरी तरह से उन्होंने क्या किया कि आपका मतलब जो मजदूर वर्ग था उसका शोषण किया।